हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल हेस्टिया में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे स्वादिष्ट बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू आप घर पर बड़े आसानी से बना सकती हैं। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन, बूरा, घी, मगज, इलायची और पिस्ता। सबसे पहले हम एक कढ़ाई गरम करते हैं। 2-3 चम्मच घी डालें। घी को थोड़ा गर्म होने दें। अब बेसन डाल लेते हैं। बेसन को गोल्डन होने तक भून लेंगे। इसको धीमी आंच पर ही भूनना है। गैस को कम रखें। 4 चम्मच इलायची डाल देंगे। बीच में छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ देंगे तो ये नीचे कढ़ाई में लग जाएगा और फिर जलने लगेगा, उसकी महक पूरे बेसन में हो जाएगी तो हमारे लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। इसे धीमी आंच पर बेसन को चलाते हुए सेकना है। बेसन का कलर चेंज हो गया थोड़ा। बीच में थोड़ा थोड़ा घी डालते रहें ताकि इसमें लम्स नहीं पड़े। बेसन का कलर चेंज होने लगा है। हमारा बेसन भुनने लगेगा तब इसमें हल्की हल्की महक आने लगेगी और कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बेसन को थोड़ा दबा दबा के सेकें। अब इसमें पिस्ता डाल लेते हैं, मगज, खरबूजे के बीज। पहले इसलिए डाले हैं ताकि ये भी थोड़े सिक जाएं, इनमें कच्चापन नहीं रहे। हमारा बेसन भुनने लगा है, महक भी आने लगी है इसमें। अब इसमें थोड़े से पानी से छींटे लगाएंगे ताकि इसमें गांठे नहीं बने और ये बेसन खिला खिला हो जाए। पानी की थोड़ी छींटे लगाने, ज़्यादा नहीं। देखिए ये बेसन अच्छे से पकने लगा है। महक भी आ रही है इसमें। बेसन के लड्डू खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और आप इसे घर पर बड़े आसानी से बना सकती हैं। गैस को बंद कर देते हैं। बेसन हमारा भूनकर तैयार है। इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दें। अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। अलग बर्तन में निकाल लिया बेसन को। इसको अब ठंडा होने दें। ये ठंडा हो जाएगा तब इसमें बूरा मिक्स करेंगे। गरम बेसन में बूरा मिक्स नहीं करनी क्योंकि ये जो बूरा है ये पिघलने लगेगी और बेसन फिर हम भी उसके साथ पतला हो जाएगा और फिर हमारे लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। बेसन को थोड़ा सा ही गर्म रहने दें, ज़्यादा नहीं। ज़रूरत के अनुसार घी डाल लेते हैं। ज़्यादा घी भी नहीं डालना, जितनी ज़रूरत हो उतना ही डालिए।
अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं आप, हाथ से ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। देखिए बूरा घी और जो मगज डाले थे वो सारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। लड्डू आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े साइज में बना सकती हैं, मैंने छोटे छोटे लड्डू बनाए हैं। सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे डेकोरेट। हमारे लड्डू सारे बनकर तैयार हैं। अब हम इनको थोड़ा पिस्ता और सिल्वर आर्क से थोड़ा सजा लेते हैं, सारे लड्डू पे लगा लें। ऊपर से पिस्ता लगा देते हैं, थोड़ा दबा के लगाएं ताकि उतरे नहीं। सारे लड्डू पे लगा दिया। देखिए हमारे लड्डू बनकर तैयार हैं। ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और आप इन्हें घर पर बड़े आसानी से बना सकती हैं, तो आप एक बार घर पर ज़रूर बनाइए और इन्हें बनाकर हम 10-15 दिन के लिए रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।